मेरे बन रहे हैं यहाँ पे दाल बड़ी। अपने लिए मैंने आटा रखा है, बोल चुकी हूँ। ये दाल बड़े हैं, बड़े इसको बोलते हैं, ये दाल बड़े नहीं मेंदू बड़ा। इनके बीच में साउथ इंडियन डिश है, इनके बीच में करते हैं ऐसे छेद जैसे, लेकिन वो बनाते ही टाइम ही करते हैं। तो दिखाती हूँ, मोबाइल नहीं गिरेगा कढ़ाई में। तो ये पुकिया है भाई, ये थोड़ा पुकिया है, चलेगा कोई बात नहीं, इतना होता है। बड़े दाल बड़े नहीं क्या, 12 दाल बड़े आ रहे, लेकिन ये मेंदू बड़े, ये हरी चटनी है। तो चलो नाश्ता। सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से प्यार रहा, नमस्ते, मैं अंजलि गुटुल, आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में एक शानदार ब्लॉग में। दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत करें खूबसूरत शहर मुंबई से, रहा अपने प्यारे से किचन से, किचन से। इसलिए मैं हमेशा ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ क्योंकि किचन में हमारे टाइल्स, इधर से लाइट बहुत अच्छा आता है, व्यू बहुत अच्छा आता है, फोकस पूरा अच्छा रहता है, उजाला उजाला, और रूम में उतना उजाला नहीं रहता। तो इधर टाइल्स लगे इसलिए ज़्यादा लाइट इधर उधर बैठती तो अच्छा लगता है इधर से। फिर इधर मेरे सामने पे एक खिड़की है, यहाँ पे मैंने मोबाइल रखने के लिए भी अच्छी सी जगह है, इसलिए मैं यहाँ से मोबाइल ये वीडियो की शुरुआत करती। कई लोग बोलते हैं कि जब देखो किचन में ही रहती, जब देखो किचन से ही शुरुआत कर देती, तो मुझे अच्छा लगता है। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त किचन में ही लगता है, दिन का इधर ही गुजरता है। बाहर में कहीं जाती भी नहीं हूँ क्योंकि बच्चे हैं स्कूल ट्यूशन वाले, बस दूध लेने जाएगी, भाजी लेने जाएगी, उसके बाद बस घर का ही काम रहता है, बस बाहर का मैं सुबह लेके आ जाती है। अभी तो आज गुरु नानक जयंती है, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी और मेरे परिवार की ओर से हैप्पी गुरु नानक जयंती। तो आज सबकी छुट्टी है, बच्चों की, कॉलेज वाले की भी, स्कूल वाले की भी छुट्टी है, गुड़िया उठी है, दोनों भी सोए हैं। तो मैंने बोला चलो खाना बना देती हूँ, नाश्ता तो बच्चों ने किया नहीं, बोला था रात को कि मम्मी उठाना नहीं हमको, सोए रहेंगे। तो मैंने सोने दिया तो गुड़िया तो उठ गई, तो मैंने बोला जब तो दूध लेके आ, तब तक मैं भात रखा है मैंने चूल्हे में, दाल रखी है, कल की दाल पूरी बची है कि कल भी दो दाल बनाई थी, बच्चों ने ब्रेड पकोड़े खाए, दो सुबह और दोपहर को ब्रेड पकोड़े बने, रात को बनाया है मैंने मेंदू बड़े। तो खुशी दूध लेके भी आ गई है, तो एक में मैंने इधर भात रखा, एक में मैंने दाल रखी है, और इधर तड़का के लिए मैंने कढ़ाई रखती, घी घी का तड़का लगाती मैं दाल में, ठीक है क्या बोली? नहीं मेरे को नहीं चाहता, पर्स में रखी मेरे में। मैं सो के मैं सुए आज 6:45 बजे नहा गई थी, सर धोया और ठंडा हो गया सर। वैसे तो मैंने टी शर्ट पहनी थी इसके बाहर से, कुर्ती के बाहर, मैंने ठंड ना लग जाए, लेकिन नहाने के बाद फिर वही काम, झाड़ू है, पोछा है, बर्तन है, पानी है, यहाँ का है, वहाँ का है, कपड़े थे दुनिया भर के धोने के लिए, कपड़े धोए, कुछ देर पंखा बंद कर बेटा, पूछो पंखे की आवाज आ रही है। आज सुबह सुबह 6:45 बजे मैं नहा गई थी, इसलिए ठंडी से ना मेरे सर इतना दुख रहा था। मैं 10:30-11 तक तुम उठी थी क्योंकि मैं नहाई, कपड़े उपड़े धोए, उसके बाद मैं नाश्ता बनाया, नाश्ता बनाने के बर्तन खाली धोते नाश्ता करने वाले, थोड़ी देर मोबाइल देखा और उसके बाद में सो गई थी गुड़िया के साथ में। ये क्या मालूम कभी मैं 12:45 को उठी, देखा तो ये गायब गायब, मतलब उठ के बाहर आ गई मोबाइल लेके हॉल में, इसने मेरे को नहीं उठाया। उठी तो मेरा बहुत सर दर्द हो रहा था क्योंकि मैंने 2-3 दिन से बीपी की गोली नहीं खाई, मालूम है आपको भी, मेरा हमेशा बीपी हाई रहता है, मुँह पर हमेशा सूजन ही रहती है। तो बीपी की गोली खाई, अभी थोड़ा सा कम है, इधर तो है लेकिन थोड़ा कम है, लेकिन बहुत धड़क रहा था सर। कुछ ठंड हो गई थी क्योंकि ठंडी भी पड़ने बैठ गई, रात को तो ठंडी हो रही है, आधा रात से तो सुबह के टाइम पर ठंडी हो रही है। मैंने अभी तक भी टी शर्ट पहनी थी, मैंने गुलाब निकाल दी थी, कल तो पूरा दिन मैंने टी शर्ट पहनी थी, कुर्ती और कुर्ती के बाहर के टी शर्ट, बच्चे बोल रहे थे ऐसे क्या पहनने वाला तुझे, मैंने ठंडी बचाने, मेरे को शरीर देखना है क्योंकि मेरी कमर बहुत ज़्यादा दुख रही, कमर कमर का तो बुरा है, सपोर्ट नहीं है, ऐसे लग रहा है कि रीढ़ की हड्डी गई, रीढ़ की हड्डी पर बिल्कुल भी जान नहीं, इतना दर्द हो रहा है। क्या मालूम किस किस का फ़ोन आता, वीडियो शुरू करो तो दुनिया भर का फ़ोन मैसेज आते रहते हैं, चलो जाने दो। तो अब बना दे फटाफट खाना, गुड़िया को मैंने बोला जब तक मैं दाल में तड़का मारती, भात में सीटी आती, 2-3 सीटी तो आनी चाहिए मैं, क्योंकि मैंने प्रेशर पे रखा है, भात पतीली पर थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक तो बिस्किट खा ले, दाल बनी है उसके लिए मैंने गर्म पानी कर दिया, खाना काट दिया, और मैंने बोला घी का तड़का मारती हूँ मैं दाल में, क्योंकि जो कल की दाल है वो साबुत मसूर है। कल मैंने 2 दाल बनाई, 1 गाँव की दाल है, हमारी गाँव की दाल है, जो तोर की दाल है साबुत दाल,
दूसरी भी साबुत दाल बनाई थी मैंने, लेकिन बच्चों ने वो खाया तो वो दाल बच गई। तो चलो मैंने बोला, अभी भी मैंने एक सुलटा रखा, सुलटे को इधर मुंबई की भाषा में लोबिया बोलते हैं, तो एक मैंने लोबिया रखा, लोबिया खाता है खाली परवेश और जगदीश, मैं भी नहीं खाती, मेरे को अच्छा लगता है लेकिन मेरे गैस हो जाती है, उससे सर दर्द हो जाए, तो मैं भी नहीं खाएगी उसको, तो मैं भी यही दाल खाएगी। अब आज मैं रोटी बनाएगी अपने लिए, क्योंकि बात मेरे को बिल्कुल भी नहीं पाचन हो रहा है। तो चलो जाने दो, लगते हैं अपने काम में, वीडियो में बने रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखो, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करो। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लो। और इसी चैनल पर मेरा कॉमेडी वीडियो भी आ रहा है, गाना वाला वीडियो भी आ रहा है जो दिलीप सिंह है, और दूसरा चैनल है मेरा अंजू देवी बुटोला भी शॉर्ट वीडियो, उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी वीडियो आपको कॉमेडी देखने के लिए मिलेगी। तो देर सारा प्यार लगे, बज रहा है, मैं और गुड़िया जा रही है बाहर बाजू उजू लेने, थोड़ा टेलर के पास ही जाना है, ब्लॉग पूरा नहीं बन रहा है इसलिए मैंने बोला अभी ब्लॉग इधर से शुरू कर लेती हूँ। जाना है थोड़ी देर में, अंधेरा होने वाला है क्योंकि 6:15 तक तो, 6:15 6:30 तक तो अंधेरा हो ही जाता है, तो थोड़ा मैंने बोला इधर का व्यू दिखाते हैं। ये है क्या है खुशी, शोरूम स्कूटी का, इधर लाइट आज भी लगी थी, और आ गया मेरे को इधर ना कपड़ा सिलने के लिए देना है टेलर के पास।